28 भी सेम है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू में है कॉस 2x dx, ये आपका u है ये आपका v है, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर कॉस 2x कॉस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन देखे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x और फिर कॉस 2x का समाकल फिर dx, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर कॉस का साइन हो जाएगा और 2x का 2 माइनस, यहाँ पे देखो इसका 2x हो जाएगा और यहाँ पे कॉस का साइन और 2x का 2 डिवाइड में आएगा dx, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 2 या बाहर में 1/2 लगा दो वो भी कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे आपका u इंटू वी पे फिर से एक्स साइन 2x dx माइनस फिर इंटीग्रेशन लगा के डेरिवेटिव x का फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx ब्रैकेट बंद करेंगे dx और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट, चलिए अब देखते हैं। एक्स स्क्वायर साइन 2x बटा 2 माइनस ब्रैकेट हटाए क्या x साइन का माइनस कॉस होगा तो यहाँ प्लस कर देता हूँ कॉस 2x और बटा में 2, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा लेकिन यहाँ साइन का माइनस कॉस हो जाएगा यहाँ माइनस ही रहने देते हैं, इसका तो 1 हो जाएगा कॉस 2x बटा 2 dx, समझ गया। चलिए आगे देखो एक्स स्क्वायर साइन 2x बटा 2 प्लस एक्स कॉस 2x बटा 2 माइनस ये देखो 1/2 ये ऐसे ही रहेगा, कॉस का साइन हो जाएगा और 2x का 2 प्लस ये ना हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर साइन 2x बटा 2 ठीक है और फिर आपका यहाँ पे आएगा प्लस का एक्स कॉस 2x बटा 2 माइनस साइन ऑफ 2x बटा में 4 प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला